ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे चाहबाज चले आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मार्चिंग फॉरवर्ड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस मेन एट देयर बेस्ट। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे। खवातीनो हजरात, ये बावकार दस्ते पाकिस्तानी कौम की यगानगत और इत्तेहाद के अक्कास हैं। इनकी मुनज्जम मार्च कौमी जज्बे से सरशार नगर दर हकीकत कायद के अता किए रहनुमा उसूल ईमान इत्तेहाद और तंजीम को जिंदा और जावेद किए हुए हैं। इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद है। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहने, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे। The flag bearer contingent includes Major Amir Bilal Marwar, Captain Ubaid Ata Barja, Captain Muhammad Ehsan Aziz, Captain Ahmed Afzal Chaudhry, Captain Abdullah Irshad Chatta, Captain Rao Anas bin Amir, Captain Hassan Ehsan Hakkani, Captain Muhammad Hassan Tariq, Captain Ali Jahzeb, Captain Sayyid Sultan Kareem, Lieutenant Ali Abbas Zehri, Flight Lieutenant Hamad Afzal Jajja and Captain Kiranu Sadain Ahmed. Ladies and gentlemen, you all are requested to rise in your seats when the national flag passes in front of you. Uniformed persons are requested to salute. Khawateen o hazrat, aapse guzarish hai ki jab qaumi alam aapke samne se guzre to ehtiraman apni nishist se khade ho jaye aur bawardi khawateen o hazrat salute kare. उठाओ इस तरह समी का दिल तहल उठे, वो नारा हाय गर्म हो कि रंगे चरख चल उठे। कहा की गौर क्या कफन, बढ़े चलो मुजाहिदीन सब शिकन, बढ़े चलो। मार्चिंग का खूबसूरत अंदाज, जमीन थर्रा उठी है इन गाजियों के कदमों की गरज से। इनके हथियारों पर चढ़ी संगीनों से टकराती सूरज की किरणें दुश्मनाने पाकिस्तान के ठिकानों को चीरती हुई ये आया कर रही हैं कि दिफाए वतन की खातिर अफवाजे पाकिस्तान के ये गयूर जवान अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हम अब तैयार हैं।
बातिल से दबने वाले, ऐ आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, ऐ अर्जे पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा, ये फौज पाकिस्तान की आवाम से है, इस कौम का फख्र है और इसी तरह आवाम की खिदमत व तहफ्फुज पाक फौज का नस्बुल ऐन है। ख्वातीनो हजरात, यौमे पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज द ट्रू पैशन फॉर पेट्रियटिज्म, अ टेस्टमेंट ऑफ आवर नेशनल प्राइड। Witness as these brave soldiers march forth in full strength, striking fear into the hearts of the enemies. Khawateen o Hazrat, Jeep par sawar Parade Commander Brigadier Irfan Ahmed Yom-e-Pakistan Parade ki qiyadat kar rahe hain. Brigadier Irfan Ahmed ne 12 बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आप मुख्तलिफ कमांड एंड स्टाफ के ओहदों, जिनमें मशरकी और मगरबी सरहद पर फराइज मनसबी के अलावा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में इंस्ट्रक्टर के फराइज बतरीके एहसन सरंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर रहे हैं। जीप पर सवार परेड सेकंड इन कमांड ग्रुप कैप्टन अमजद खान, पाक फिजाइया में कमांड एंड स्टाफ ओहदों की अहसन तकमील के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बेस लाहौर में अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। परेड स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर मोहसिन अली, पाकिस्तान नेवी की 32nd क्रीक्स बटालियन में ऑपरेशन ऑफिसर के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। ख्वातीनो हजरात, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलमबरदार दस्ता तीनों मुसल्ला अफवाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी कयादत मेजर आमिर बिलाल मरवत कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 19 सिंध रेजिमेंट सर बुलंद बटालियन से है। 12 कतारों पर मुश्तमिल इस अलमबरदार दस्ते में 24 अलम शामिल हैं, जो परेड ग्राउंड में मौजूद यूनिट्स को अदा किए गए कौमी निशानों का एक हसीन झुरमट है। पेओचार बटालियन का नारा लिए 39 पंजाब रेजिमेंट जानिसार बटालियन का दस्ता, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जफील भट्ट इस दस्ते की कयादत कर रहे हैं। 35 बहादुर सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस बटालियन को 1 सितारा-ए-जुर्रत, 2 सितारा-ए-बसालत और 4 तमगा-ए-बिसालत के एजाजात मिल चुके हैं। पंजाब रेजिमेंट के बाद तारिक बिन ज़ियाद की शमा से गाजी या शहीद की यलगार अपनाने वाली 15 बलोच रेजिमेंट, जिनका नारा है अव्वल ही अव्वल, इस जफाकश दस्ते की कयादत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नूरुल वहाब। 3 सितारा-ए-जुर्रत, 5 तमगा-ए-जुर्रत और 79 शोहदा से रंगीन 15 बलोच रेजिमेंट का दस्ता। द बिफर्स जीदार रेजिमेंट का दस्ता, जिसकी कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर हयात कर रहे हैं। इस पलटन के 20 बहादुर सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस बटालियन को 2 सितारा-ए-बसालत, 8 तमगा-ए-बसालत और 5 इम्तियाजी असनाद का एजाज हासिल है। फ्रंटियर फोर्स के बाद द ओनली बैटल बॉर्न रेजिमेंट आजाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, इस दस्ते की कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल मजहर हुसैन कर रहे हैं। 30 बहादुर जवानों ने अपने खून से दिफाए वतन की आबियारी की। इस रेजिमेंट को बहादुरी और शजाअत के एतराफ में 2 तमगा-ए-जुर्रत और 1 सितारा-ए-बसालत, 2 तमगा-ए-बसालत और 69 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफी असनाद से नवाजा जा चुका है।
आजाद कश्मीर रेजिमेंट के बाद सुर्ख टोपियां पहने तबार का नारा लिए 11 सिंध रेजिमेंट का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान बिन अजीज इस दस्ते की कयादत कर रहे हैं। इस बटालियन के 38 बहादुर सपूतों ने दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। शुजात और दिलेरी के एतराफ में इस रेजिमेंट को 6 तमगाए बसालत और 78 तारीफी असनाद से नवाजा जा चुका है। द फर्स्ट का नारा लिए 15 नदरन लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिसकी कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल यासिर अदील कमर मिनहास कर रहे हैं। बलतोरो ऑपरेशन अलमीजान और ऑपरेशन जरबे अज़्म 15 एनएलआई रेजिमेंट की सुनहरी तारीख के गवाह हैं। दिफाए वतन के लिए इस बटालियन ने 33 सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस यूनिट ने 2 तमगाए बसालत 4 इम्तियाजी असनाद और 47 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमेंडेशन कार्ड हासिल किए। फखरे छम लाइन ऑफ कंट्रोल के मुहाफिज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीन 658 मुजाहिद रेजिमेंट का दस्ता जिसकी कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद वासे हाशमी कर रहे हैं। 3 तमगाए बसालत का एजाज लिए फखरे छम 658 मुजाहिद रेजिमेंट के 19 बहादुर जवानों को अक्वामे मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात का एजाज भी हासिल है। The destroyers, the trackers, the heroes of Dwarka, Pak Behriya, इस दस्ते की कयादत कमांडर मुदस्सिर रियाज कर रहे हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेशंस हाइड्रोग्राफी से है। सतायाब, जेरेयाब, फिजा और जमीन पर बैक वक्त इनकी पेशावराना महारत पाकिस्तान की चार जहती कुव्वत। पाक बहरिया के 446 सरफरोशों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। 28 सितारे जुरत, 44 तमगाए जुरत, 147 सितारे बसालत और 403 तमगाए बसालत का एजाज। ये जमीन आसमानों के हमराज मेरे शाहीन शाह पर और शाहबाज ग्राउंड कॉम्बेटर्स पर मुश्तमिल विंग कमांडर सुहेल अहमद राव की कयादत में पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता जिनका नारा है सत्भांगे शाहीनम उकारम बजमी चीज सहरास के दरियास महे मालो परे मास ज्वंदनंग मर्दनंग का नारा लिए पाक अफगान सरहद के निगहबान फ्रंटियर कोर के जवान लेफ्टिनेंट कर्नल बिलालुद्दीन अहमद इस दस्ते की कयादत कर रहे हैं। इनको 2 सितारे जुरत 5 तमगाए जुरत 22 सितारे बसालत और 244 तमगाए बसालत के एजाजात से नवाजा जा चुका है। सिंध और शहरे कायद के मुहाफिज हर दम और अज़्म ज़माना अमन हो या जंग हर दम तैयार मुल्की सरहदों के निगहबान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दस्ता जिसकी कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिफ संगा कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के 271 बहादुर सपूतों ने मुख्तलिफ महाजों पर अर्ज़े पाक के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जहान तनंग्या लो दीदा द्वकारा या बा उखरी ककरे या बा कामरान जी फर्श शनाज खिदमत के लिए हर दम तैयार पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दस्ता जिसकी कयादत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खान ज़ादा खान कर रहे हैं। अपने कयाम से अब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 2000 से जायद अफसरान और जवान वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों के निगहबान हम तूफान हम चटान मुदाफिउल जबाल का नारा लिए यौमे पाकिस्तान परेड में पहली मर्तबा शिरकत करने वाला गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स का दस्ता इस दस्ते की कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान खान वजीर कर रहे हैं। अब तक इस फोर्स के 17 बहादुर सपूतों ने मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। न
ना रुकी हैं ना झुकी हैं, सर उठा कर चली हैं। ये जो तारीख राहों में मशल बरदार बनी हैं, ट्राई सर्विसेज लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, जिसकी कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा बशीर कर रही हैं। तीनों मुसल्ला फाज की नुमाइंदगी कैप्टन आयशा परवेज, लेफ्टिनेंट कमांडर नाजिया नई और जीडी पायलट स्क्वाड्रन लीडर फातमा अली, एएफएनएस की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट सलमा अब्बासी, लेफ्टिनेंट कमांडर आबदा परवीन, स्क्वाड्रन लीडर उमेरा सबीन, जबकि सब इंस्पेक्टर पंजाब रेंजर्स, सब इंस्पेक्टर सैयद अरीज सहरा पंजाब पुलिस, असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील ISF और असिस्टेंट डायरेक्टर अंबर मुमताज ANF की नुमाइंदगी कर रही हैं। ट्राई सर्विसेज बैंड के दस्ते की कयादत सुबेदार मोहम्मद अफजल कर रहे हैं। पाक बहरिया की नुमाइंदगी मास्टर चीफ स्टडी ऑफिसर जहांगीर अहमद, जबकि पाक फिजाइया की नुमाइंदगी वारंट ऑफिसर ताहिर अरशद कर रहे हैं। इस बैंड ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैन अलावी सतह पर भी अपनी महारत का लोहा बनवाया है। GHQ मिलिट्री बैंड वॉज रेज ऑन 14th August 1993। 19 different instruments are played in the band, which is participating in this parade. मसाइब के तूफान, हवादिस की मौजें, बलाओं के रेले, बगौलों की फौजें, दिलों में भरे ला इलाह के खजाने, निगाहों में बिजली, लबों पर अल्लाह हू के तराने। शाहीन का तजस्सुस, उकाब की निगाह और चीते की लपक झपक रखने वाले स्पेशल सर्विस ग्रुप के हौसलामंद और जर्री सबूतों का हर आन आमादा और तैयार कमांडो दस्ता पाकिस्तानी अफवाज के माथे का झूमर है। परचमे वतन के पास पान, जुर्रत और बहादुरी के निशान, ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप के वो जांबाजान हैं जिनकी जिंदगी और उस जिंदगी में एक एक लम्हा चैलेंज। SSG के दस्ते की कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद उस्मान तैयब कर रहे हैं। इनका ताल्लुक 2 कमांडो रैपर बटालियन से है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर वॉमिक शहजाद पाकिस्तान नेवी और स्क्वाड्रन लीडर काशिफ हयात पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 7 दिहाइयों में अजमो हिम्मत के सफर में 142 कीमती जानों का नजराना पेश करने वाली रैपर बटालियन अपने सीने पर 26 सितारे जुर्रत, 8 तमगाए जुर्रत, 26 सितारे बसालत और 78 तमगाए बसालत के एजाजात सजाए हुए हैं। हम गाजी, हम जंगजू, हम कायद, हम टीपू, हम रहबर जमाना, तर्ज जिंदगी हमारी कलंदराना, रहबर शेर जवान है हम। हम नाराए तकबीर से, अजमे शब्बीर से बढ़ते हैं दुश्मनों को चीर के, वतन की मिट्टी तेरी हुरमत के हैं रखवाले, रहबर शेर जवान है हम। खवातीनो हजरात, हमारी मुसल्ला अफवाज के दस्तों के साथ साथ दोस्त ममालिक के मुसल्ला अफवाज के दस्ते भी यौमे पाकिस्तान परेड में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द विक्टोरियस, द मार्चिंग कॉलम ऑफ अज़रबैजान आर्मी, पाकिस्तान खोश कलमसिनीज, वेलकम टू पाकिस्तान द कॉन्टिजेंट ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ अज़रबैजान।
यशसिन पाकिस्तान अजरबैजान बर्लिए बकारदशलगे लॉन्ग लिव पाकिस्तान अजरबैजान यूनिटी एंड ब्रदरहुड एन आर्मी दैट गेन्ड ग्रेट विक्ट्री इन 44 डेज इन द पेट्रियोटिक वॉर ऑफ अजरबैजान अजरबैजान आर्मी आल्सो कैरीड आउट अ सक्सेसफुल 23 आवर्स लॉन्ग एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन द ईयर 2023 व्हिच स्पीक्स ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म एंड दैट अजरबैजान की मुसल्लह अफवाज के इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद साकीज़ादा कर रहे हैं कैप्टन ओरखान इस्माइलोव अजरबैजान का कौमी अलम उठाए हुए हैं जबकि बैंड की क़यादत कर्नल फारेज महमदजादे कर रहे हैं Ladies and gentlemen, enduring friendship between Pakistan and Azerbaijan stands as a beacon of stability and cooperation. Through diplomatic synergy and strategic collaboration, both nations pave the way for a brighter and more interconnected future. पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात का आगाज सन 1992 से हुआ दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ दिफाई मौहदों के तहत फौजी तरबियत और मशकें फरोग पा रही हैं अजरबैजान की अवामी मजबूर कुन कौमी धुन सुफ़ैद पर मार्च करता हुआ अजरबैजान की मुसल्ला अफवाज का दस्ता लेडीज एंड जेंटलमैन Please witness the decorous tri-services contingent of People's Liberation Army of China. Jung Payo Yi Yuan Sui Ka Nara Liye, Jiska Matlab Hai, Long Live China-Pakistan Friendship. Tentis Afraad Par Mushtamil, Is Daste Ka Taalluk, People's Liberation Army of China की Guard of Honor Regiment से है This glorious contingent is led by Senior Colonel Chang Chanmin Pakistan was one of the first countries to recognize the People's Republic of China Since 2015 The economic ties have formally been reckoned by the world as all-weather strategic cooperative partner. Longevity, love and trust aptly define Pakistan-China friendship. For Pakistan, relations with China form the cornerstone of our foreign policy. In China, Pakistan is described as Bhati, which means China's Iron Brother. Pakistan is the earliest partner of President Xi Jinping's visionary Belt and Road Initiative. China-Pakistan Economic Corridor, as the flagship of BRI, has infused renewed vitality into our socio-economic development in a short span of few years and has become a game changer for Pakistan and subsequently for the broader region. Long live पाकिस्तान-चाइना फ्रेंडशिप मार्चिंग कॉलम्स के बाद अब मैकेनाइज्ड कॉलम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे इनमें सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैबत कहर और फायर पावर की बदौलत रिवायती और गैर रिवायती जंग में दुश्मन के दिलों में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान आर्मड कोर के इस दस्ते की कयादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इरफान खान कुंडी कर रहे हैं जिनका ताल्लुक 47 कैवलरी से है गन सल्यूट का मुनफरद अंदाज शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है इसकी खुद साख्ता कामयाबी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का एक मुनफरिद सबूत पेश करता है हैदर के कदमों की छाप पर हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता टैंक अल खालिद जिसका ताल्लुक फारस शोला जन 40 सिंध हॉर्स रेजिमेंट से है जिसकी क्यादत मेजर जवाद जहूर कादरी कर रहे हैं